निरंजनपुर स्थित नवीन मंडी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया, तो वहीं कई बड़ी घोषणाएं भी की। इस दौरान उन्होंने कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे सरकार के कार्यों के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हजारों की संख्या में आए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मंडी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, इनका परीक्षण कराकर प्रस्ताव बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुआं वाला डोई वाला मार्ग पर दंडेश्वर मंदिर का सौंदर्यकरण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण कर लोगों को वृक्षारोपण के लिए भी प्रेरित किया। देखिए, इस बार का जो हमारा आम बजट था, सामान्य बजट था, उसमें हमने किसान भाइयों के लिए एक अलग से जो है प्रावधान किया, और उसके अंतर्गत किसानों की आय को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहले से ही जो है बजट तैयार किया हुआ है, उसी पर काम करते हुए हमने प्रदेश के अंदर 18,000 पोलियो हाउस बनाने का निर्णय लिया है। किसानों को और अधिक नुकसान हो हर क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में, फल उत्पादन के क्षेत्र में, एप्पल मिशन के क्षेत्र में, और उसको लेकर लगातार हमने बजट में भी प्रावधान किया है, अन्य तरीके से भी हम जो है उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके पीछे हेतु है कि हमारे यहाँ का जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र, वो क्षेत्र तेजी से आगे बढ़े, और वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जहाँ किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को एक आजीविका की मजबूत होगी, आर्थिक का आधार बनेगा, वहीं प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को दिशा देने का कार्य कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से कार्य हो रहे हैं। उनकी प्रेरणा से कृषि के क्षेत्र में तमाम अनुसंधान हो रहे हैं, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, राज्य में भी एक जिला और दो उत्पाद पर कार्य किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।